जी, क्या हाल है आपका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अगर आप घर का डिज़ाइन बनाते हैं, लोगों के बनाते हैं, या अपने घर का डिज़ाइन बनाने का सोच रहे हैं कि किस तरह बनाऊं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप 3D या 2D एनिमेशन में कैसे अपने घर का मुकम्मल डिज़ाइन बना सकते हैं, और वो भी अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल के ऊपर भी आप 3D में बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। इस एप्लीकेशन का नाम है प्लानर 5D, तो आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है, तो मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। वीडियो एंड तक आप लाजमी देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। जो लोग आए थे घर की 3D एनिमेशन करते हैं उनको तो पता होगा कि किस तरह क्या करना है, जिनको नहीं पता है तो उनको मैं समझा देता हूँ। अब यहाँ पर ये घर बने हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो इनमें से किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑफिस है, हाउस है, 2 स्टोरी हाउस या इंडस्ट्री लॉफ्ट, तो आप जो मर्जी आए आप कर सकते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट अगर आपने करना है तो यहाँ पर क्लिक करना है आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर है 2D और 3D, तो हमने ये 2D है, हम 3D करेंगे इसे। तो ये 3D एनिमेशन हमारी आ गई। अच्छा जी, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर आप देख लें ये आपका घर है। तो यहाँ पर आपने जो जो चीज़ लगानी है वो यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर होम हो गया, यहाँ पर विंडो हो गई, यहाँ पर आप विंडो देख सकते हैं जो भी आप लगाना चाहें। ये जिन पर लॉक लगा हुआ है वो पेड हैं, जिन पर लॉक नहीं लगा हुआ ये फ्री है। तो फॉर एग्जांपल इसे लगा लेते हैं। तो ये लें जी, एक विंडो लग गई आपकी। उसके बाद अगर आप विंडो लग गई है तो अब आपने घर में आई थिंक कोई चीज़ और रखनी है, यानी कि फर्नीचर वगैरह, तो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये फर्नीचर जिन पर वीडियो का ऐड लगा हुआ है, ये वीडियो आप वॉच करेंगे तो आपको ये फ्री में मिलेगा, सही है। उसके बाद प्लेनेट है, तो टेबल वगैरह है तो टेबल भी हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये टेबल हो गई। यहाँ पर ऊपर नीचे इसे कर सकते हैं आप, तो यहाँ पर वॉल पेंट भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप पूरी 3D की एनिमेशन कर सकते हैं। और भी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, यानी कि ये तो प्लेनेट हो गया। यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन है, टीवी वगैरह अगर आपने लगानी है तो। फॉर एग्जांपल हमने ये डिस्क लगानी है, तो ये डिस्क हम कहाँ लगाएंगे? तो यहाँ पर अगर आप डिस्क लगाना चाहते हैं तो ये दूसरी दीवार आ गई, उसके बाद ये तीसरी आ गई, यानी कि यहाँ पर आप पूरा अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसमें बहुत भी और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जो यहाँ पर आप फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, तो या टाइटल वगैरह जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, या प्रोजेक्ट वगैरह जो भी आपने बनाना हो, या 3D और 2D आप दोनों बना सकते हैं। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।